सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 90,000 रुपीज़। सो देखो यार, जो 90,000 वाला बजट आता है ना, वो एकदम ही प्रीमियम सेगमेंट वाला बजट आता है, और इस बजट में आपको काफ़ी लिमिटेड लैपटॉप देखने को मिलेंगे। बट जो मैं लैपटॉप बताने वाला हूँ 90,000 की रेंज में, वो एकदम ही अल्टीमेट लैपटॉप होंगे, हाई एंड CPU, हाई एंड GPU के साथ। क्योंकि 90,000 के बजट में आपको प्रोफेशनल गेमिंग सारे काम करा सकते हैं लैपटॉप। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। सो इस वीडियो के सबसे पहले लैपटॉप की बात करें, वो आता है लेनोवो का लेनोवो एलो क्यू। ये आपको 83 to 84,000 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा। अब प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको इंटेल i5 12450H प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 8 कोर और 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। अब रैम की बात करें, इसमें आपको 16GB DDR5 4800 MHz वाली रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। 512GB की Gen 3 SSD देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 2GB। अब डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी क्लियर IPS लेवल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, विद 350 Hz की ब्राइटनेस और 144 Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में। इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, विच मिल जाएंगे RTX 4050, जो कि 6GB GDDR6 वाला ग्राफिक कार्ड है, विद 95W TGP के साथ में। भाई ये जो ग्राफिक कार्ड है, एकदम ही अल्टीमेट ग्राफिक कार्ड है, और बहुत ही हाई FPS वाला ग्राफिक कार्ड है। फिट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि 0 to 100% 80 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। भाई हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब अगला जो लैपटॉप आता है, वो आता है एसर का एसर नाइट्रो वी गेमिंग लैपटॉप। ये आपको 77,000 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। अब प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको इंटेल i5 13420H प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 8 कोर और 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। अब रैम की बात करें, इसमें आपको 16GB की DDR5 4800 MHz वाली रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। 512GB की Gen 4 SSD देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 4TB। अब डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी क्लियर IPS लेवल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, विद 144Hz के रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB के साथ में। भाई इसकी जो डिस्प्ले है, बिल्कुल गेमिंग लेवल वाली डिस्प्ले है। इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, विच मिल जाएंगे RTX 4050, जो कि GDDR6 6GB वाला ग्राफिक कार्ड है, विद 75W CGB के साथ में। इसमें आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। भाई ये हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के अगले लैपटॉप की बात करते हैं, वो आता है MSI का MSI Cyborg 15। ये आपको 95,000 के प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल जाएगा। भाई इसमें आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है, जो कि और किसी लैपटॉप में आपको नहीं देखने को मिलती। अब प्रोसेसर की बात करें, इसमें आपको इंटेल i7 12650H प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 10 कोर और 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। अब रैम की बात करें, इसमें आपको 16GB की DDR5 4800 MHz वाली रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64GB। 512GB की Gen 4 SSD देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 4TB। अब डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको 15.7 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, विद 250 Hz की ब्राइटनेस और 144Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में। इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, विच मिल जाएंगे RTX 4060, जो कि GDDR6 6GB वाला ग्राफिक कार्ड है, विद 127W CGB के साथ में। इसमें आपको 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। भाई ये हाईएस्ट रिकमेंडेड लैपटॉप है, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 90,000 रुपीज। सो देखो यार, जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में 90,000 की रेंज में लैपटॉप्स बताए हैं, वो एकदम बेस्ट है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि 90,000 एक प्रीमियम सेगमेंट वाले लैपटॉप्स आते हैं 90,000 की रेंज में, और सबके बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बजट डिसाइड करना है, और बजट के बाद रिक्वायरमेंट के बाद आपको मेरी वीडियो में लैपटॉप मिल जाएगा, और बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके बता देना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ में।